लिए। बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा ठीक है सब बच्चे? चलिए टॉपिक चल रहा था बेटा कौन सा, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन बेटा बताना, कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर, बोलो बेटा, तो 10 से लेकर 33। बेटा ये क्वेश्चंस होमवर्क में थे 10 से लेकर 33 तक। बेटा फटाफट से चेक कर रहे हैं यहां पर, बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ पूछना है क्या? बेटा 10 के बाद 11, 12, बेटा 12 में पूछना है कुछ, 13, 14, बेटा क्वेश्चन 14 पूछना है बेटा, 14 देखिए, 14 देखें क्या कह रहा है, 14 में बोल रहा है रुपीज 1980 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। बेटा 1980 रुपए ए बी सी में डिवाइड करने हैं, सो दैट बेटा इस प्रकार से डिवाइड करिए, हाफ ऑफ एज पार्ट, ए का आधा पार्ट बेटा कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी पार्ट बेटा कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ बी, एंड 1/6 ऑफ सी। ये तीनों क्या हो जाएं, इक्वल। बेटा यही दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है पहली बात तो ये कि 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी और 1/6 ऑफ सी है। बेटा यही है कि नहीं है? बोलो बेटा। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि यहां पर एक चीज और बता दी मुझे, बताना बेटा क्या डिराइव किया यहां से आपने, कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के कितने हैं, 1980। बेटा ये दोनों बात समझ में आती है कि नहीं आती है? वो पूछ रहा है मेरे से यहां पर, क्या पूछा था उसने, बी की वैल्यू निकाल के बतानी है। बेटा जैसे ये देखोगे मैंने क्या बताया था, इसे क्या मान लीजिएगा, इज इक्वल टू के मान ले इसे बेटा, ए की वैल्यू 2k, बी की वैल्यू 3k, सी की वैल्यू 6k, बेटा यही होगा। अब ये बताओ बेटा यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2k प्लस 3k प्लस 6k इज इक्वल टू 1980, कितना हो गया, 11k इज इक्वल टू 1980, k कितना हो जाएगा, 1980 डिवाइड बाय 11, 180। तो क्या अब b की वैल्यू निकाल पाओगे बेटा? बोलो बेटा कितना हो गया, 10। b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 180, हाउ मच बेटा, 540। b की वैल्यू इज 540, b की वैल्यू इज 540। बेटा बताओ क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 14 था ये। बेटा बताना 15, बेटा 15 हो गया, 16, 17, अच्छा क्लास में कराए थे तो मैंने, 18, बेटा 18 में पूछना है, कितने बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं सारे ये, चलो शाबाश, 19, 20, 21, 22, 21 नहीं हुआ, ये क्लास में कराकर भेजा था मैंने, ऐसा एक एग्जाम्पल क्लास में कराया था। बेटा 21 चेक करिए, 21, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, बेटा यही दिया हुआ है, इसको क्या मान लें, k मान लें, x की वैल्यू k बाय 2, y की वैल्यू और z की वैल्यू k बाय 4। तो बेटा x इज टू y इज टू z निकालना है, k बाय 2
के बाय थ्री, के बाय फोर। बेटा बोलो, रेशो आ गई। यहां एलसीएम लेंगे 12, 6k, 4k, 3k। बेटा कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 6:2। बेटा यही तो पूछा था उसने, x is to y is to z पूछा था, तो वो बन गया बेटा 6:4:3। बेटा क्लियर है बात ये? चलिए आगे बढ़े बेटा। 21 के बाद 22, बेटा हो गया 23, 24, 25, देखो मैं 25 सेंटेंस ही खास है बस 25 में। पढ़िए, अ फ्रैक्शन, कोई ये फ्रैक्शन है पता नहीं कौन सी, बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27। एक फ्रैक्शन है उसका रेशियो 1/27 के साथ वही है एज 3/7 बियर्स टू 5/9। बेटा ये बना पा रहे हो क्या, ये देख लो बस आप, ये नहीं बना होगा आपसे कि कौन सी फ्रैक्शन है जिसका रेशो 1/27 के साथ वही है जो 3/7 का 5/9 के साथ है। बेटा यही बोला हुआ है, बोलो बेटा। एक्स निकाल लोगे क्या यहां से, बेटा एक्स निकाल लोगे क्या, सॉल्व करेंगे, करवाओ सॉल्व, चलो बेटा सॉल्व करो फटाफट से, कैसे करेंगे बोलो बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1/27 3/7 अपॉन 5/9, ये ऊपर आ जाएगा 27x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये 27 अपॉन 35। बेटा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/35, एक्स की वैल्यू 1/35। बेटा ठीक कर लो जिसने नहीं किया था, सेंटेंस ही खास था क्वेश्चन, क्वेश्चन में सेंटेंस पढ़ना ही खास था कि वो कौन सा आइटम है जिसका रेशो 1/27 के साथ वही है जो 3/7 का 5/9 के साथ है, कौन सा फ्रैक्शन है विच बियर्स द सेम रेशो विद 1/27 एज 3/7 बियर्स विद 5/9। बेटा क्लियर है बात ये? चलो बेटा बढ़े आगे और 25 के बाद 26 बेटा हो गया 27, 27 नहीं हुआ, देखो बेटा 27 क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 5:6:7। बेटा एक बात बताओ, एक रुपए के कितने कॉइन्स अज्यूम कर लें, बेटा 5x अज्यूम कर लें, 50 पैसे के कितने कॉइन्स अज्यूम कर लें, बोलो बेटा 6x, और बेटा 25 पैसे के कितने कॉइन्स अज्यूम कर लें, 7x। बेटा यही होगा, इफ द टोटल अमाउंट इज रुपीज 390, सब मिलाकर 390 रुपए बैठ रहे हैं, आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। देखो दो तरीके हैं, या तो इसको मैं सॉल्व करूं, एक बात बताओ मुझे कितना अमाउंट बैठेगा, एक तरीका तो देखो ये है, अगर एक रुपए के 5x सिक्के हैं तो कितना अमाउंट बैठेगा, 5x रुपीज बैठ जाएंगे, बोलो बेटा हाँ। दूसरा, 50 पैसे के
अगर 6x सिक्के हैं अमाउंट कितना बैठेगा? 0.5 × 6x बैठ जाएगा। यहां 5x × 1 था और यहां क्या होगा? 0.25 × 7x। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? बेटा बोलो। चलिए अब बात आती है यहां पर कि इन सब का सम कितना दिया हुआ है उसने? 390। x की वैल्यू निकालो सॉल्व करके और नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। एक तरीका, यह एक तरीका और भी तो है। सुनो बेटा ध्यान से, सुनिए ध्यान से बेटा, एक तरीका और भी बन सकता है। यहां पर उसने बोला क्या 200, 240 या 280 सिक्के हैं, 200, 220 या 260 सिक्के हैं, 200, 250 या 280 हैं, या कोई भी नहीं है। बेटा चेक करो शर्तें क्या क्या चेक पूरी होनी चाहिए मेरी। शर्तें बताओ क्या क्या थी शर्तें। बेटा कॉइन्स का रेशो कितना चाहिए मुझे? बोलो बेटा कितना था? 5:6:7। चेक करो क्या इनका रेशो 5:6:7 है? बोलो बेटा है। क्या इसका है? क्या इसका है? बेटा एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आंसर होगा तो ऑप्शन वन होगा। अब दूसरी शर्त क्या है बेटा? इन सारे सिक्कों का टोटल कितना होना चाहिए? 390 रुपए। चेक करो 200 सिक्के 1 रुपए के हों 200 रुपए, 240 सिक्के 50 पैसे के हों 120 रुपए, 280 सिक्के 25 पैसे के हों, बोलो बेटा 70। क्या सब मिलाकर 390 बैठ रहा है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्यादा बेहतर और कंफर्म आंसर पर पहुंच पाएंगे, ज्यादा बेहतर और कंफर्म आंसर पर पहुंच पाएंगे। बेटा क्लियर है बात ये? yes, बोलो बेटा। yes, चलिए नोट करिए बेटा, 27th क्वेश्चन था ये। 27 बेटा बढ़े आगे और बेटा क्वेश्चन नंबर 28। बेटा हो गया 28 हो गया बेटा, 29 कराकर भेजा था, 30 बेटा 30 हो गया, 30 देखिए, 30 कराना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर। बेटा एक मिक्सचर है, उसमें कुछ अल्कोहल है और कुछ वाटर है। बेटा किस रेशो में है ये? इन द रेशो ऑफ 4:3। इसको 4x मान लें और इसको 3x मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? एक्चुअल वैल्यू 4x 3x रही होगी। आगे आए, आगे आइए बेटा, चेक करें। और इफ 7 liters ऑफ वाटर इज एडेड, बेटा इसमें क्या ऐड कर दिया आपने? 7 liters, 7 ऐड कर दिया। और 7 ऐड करने के बाद अब वो बोल रहा है रेशो ऑफ एल्कोहल एंड दिस वॉटर कितना हो गया बेटा? 3:4। अब रेशो हो गया 3:4। बेटा बताना जरा क्या करिएगा? 4x = 3x + 7 = 3:4 हुआ कि नहीं हुआ?
बेटा इक्वेशन बन गई, सॉल्व करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 9x प्लस 21 कितना हो गया 7x, एक्स कितना हुआ बेटा 3, एक्स की वैल्यू हो गई 3। उसने पूछा क्या था, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर, बेटा कितनी हो जाएगी अब बोलो बेटा, 4x था यानी 4 × 3 12 liters। क्वेश्चन नंबर 30 जी बेटा, बेटा क्वेश्चन 30 के बाद बेटा 31 देखिए, बेटा 31 हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया बेटा, क्लास में किया शायद हमने ये। 32 बेटा, 32 भी हो गया, 33 भी हो गया, अच्छा क्लास में कराया था ये भी। चलो ये बताइए बेटा, यहां तक 1 से लेकर 33 तक किसी भी क्वेश्चन में कुछ और पूछना हो अब बेटा बोलो। चलिए काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस, स्टार्टिंग फ्रॉम 34। एक काम करें, कुछ क्वेश्चंस पहले मुझे अभी क्लास में करेंगे, फिर कुछ होमवर्क में दूंगा करने के लिए। अभी के लिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 37। बेटा जरा एक क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट से, मैं चाह रहा हूं अपने आप पढ़ें इसको, आप करिए प्रयास करिए और फिर बताइए, करें। अरे बेटा इन्होंने शुरू करते हैं क्वेश्चन, प्रयास करिए अपने आप, पांच क्वेश्चन।
Thank you.
चलिए बेटा चेक करिए क्वेश्चन नंबर 37 बेटा हो गया कि नहीं हुआ? बेटा क्वेश्चन 37 में कुछ पूछना है किसी को? चलिए 37 के बाद बेटा क्वेश्चन 38 नहीं हुआ? 38 किसका नहीं हुआ बेटा? 38 चेक करें, 38 बेटा देखना क्या बोल रहा है। सम ऑफ 53 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे ए गेट्स 7 मोर देन बी। बेटा ए की वैल्यू कितनी है? बी प्लस 7 दी हुई है एंड बी गेट्स बेटा बी की कितनी है? 8 मोर देन सी। बेटा बोलो अच्छा द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज, और साथ में एक इक्वेशन और मालूम है बेटा कौन सी? ए प्लस बी प्लस सी कुल मिला के कितने हैं? 53। बेटा बताओ देखकर, बेटा यही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बेटा क्या यहां से ए बी सी निकाल पाओगे? यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ए कितना आ रहा है जरा बताना 38 में? ए की वैल्यू 25, बी कितना? 18 और सी कितना? 10। बेटा चाहो तो आप एक काम और भी कर सकते हो, वहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं? उनको चेक कर लो, उनको चेक कर लो आप तो भी बात बन जाएगी। बेटा क्लियर है बात? चलो 38 के बाद बेटा 38 के बाद देखिए 39 बेटा हो गया। 39 के बाद 39 सेम क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने 43 बेटा 43 बताओ पहले 39 कहां से आ गया ये? अच्छा 39 नहीं हुआ क्या? क्या हुआ बेटा इसमें 39? अब बैग कंटेन्स 600 रुपए इन द फॉर्म ऑफ, बेटा कुछ तो 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ बेटा 25 पैसे के सिक्के हैं। इन द रेशियो ऑफ ये 3x रहे, ये 4x रहे, ये 12x रहे। बेटा यही दे रखा है, तीनों का रेशियो 3 4 12, 3 4 12। बेटा बताओ जरा फटाफट से ये अमाउंट कितना हो गया? 3x हुआ कि नहीं हुआ? ये अमाउंट कितना हुआ? 0.5 into 4x। और ये अमाउंट कितना हो गया? 0.25 into 12x। ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा बेटा? 600 रुपए। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बेटा आ जाओ बेटा चेक कर लो कहां गलती की थी। 39 के बाद बेटा 39 के बाद 43 बेटा 43 हो गया और 45 नहीं हुआ। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये 45। 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, बेटा 20 लीटर का मिक्सचर था, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। बेटा कुछ मिल्क है कुछ वाटर है। इन द रेशियो 5:3, बेटा 5:3 के रेशियो में बताना मिल्क कितना रहा इसमें? बेटा 5/8 ऑफ 20 और 3/8 ऑफ 20 बेटा यही रहा होगा। फिर सुनो 20 लीटर का मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर है 5:3 के रेशियो में। इफ 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, मैंने क्या किया? देखो ध्यान से, इस कंटेनर में से बेटा 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। बोलो बेटा मैंने क्या किया? एक कंटेनर था उसमें मिक्सचर था 20 लीटर, कुछ पानी मिला हुआ था कुछ दूध था,
उस कंटेनर में से मैंने ये 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। बताओ बेटा मिक्सचर कितना बच गया? 16 लीटर बचा कि नहीं बचा? बताओ इसमें इसमें मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा? बोलो बेटा मिल्क कितना होगा इसमें? बेटा मिल्क कितना होगा? वो तो यही रेशो में होगा ना बेटा, 5:3 कितना हो गया? यानी 5/16 यानी 10 लीटर। ये बताओ बेटा 3/8 यानी 6 लीटर। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा मैंने अब क्या किया इसके बाद, 4 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। बेटा ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में से 4 लीटर मिक्सचर निकाला, मिक्सचर ये बचा, और इसमें अब क्या ऐड कर दिया हमने बेटा? 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया। कोई बताएगा अब रेशो कितना हो जाएगा? बेटा कितना हो गया रेशो? 14:6 वुड बी द न्यू रेशो। बेटा आई होप ठीक है बात, ये आंसर हो जाएगा 7:3। 45 में ऑप्शन सी इज द आंसर। चेक कर लो बेटा फटाफट, कोई इक्वेशन बनाकर काम नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से होंगी। 20 लीटर मिक्सचर में कुछ मिल्क कुछ वाटर, इसमें से 4 लीटर निकाल दिया मैंने, बचा 16 लीटर। 16 लीटर में कितना मिल्क कितना वाटर ये निकाल पाएंगे? 5:3 रेशो, और इसमें अब 4 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, 14:6 इज द रेशो, यानी 7:3। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा ठीक है ये बात भी? और 46 बताइए बेटा, बेटा 46 नहीं हुआ क्या? अच्छा 46 वो है, इनवर्ट प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ठीक है 46 छोड़िए अभी। आप एक काम करें, आप बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे होमवर्क में बेटा, जितने ही बच रहे हैं। 33 तक कर लिए थे हमने? बेटा होमवर्क लिख लीजिए आज का, अब कल चैप्टर खत्म कर लेंगे। 34 से लेकर 47 जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मेरे को जाना है कहीं। चलिए थैंक यू।